प्लेस टाइम। कल शाम तक 6318 इन्फेक्टेड लोग थे, जिसमें से 338 केसेस नए कल ऐड हुए हैं। 2020 लोग रिकवर कर चुके हैं और अभी जो एक्टिव केस हैं 4230 हैं। जो लोग अभी भी अस्पतालों में हैं उसमें से 91 लोग आईसीयू के अंदर हैं और 18 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। ये बताइए कि एलिगेशन दिल्ली सरकार के ऊपर ये लगाया जा रहा है कि जो डेथ का आंकड़ा है वो छुपा रहा है 64 डेथ से, लेकिन जबकि आंकड़ा बहुत ज्यादा है, ये कहां जा रहा है? और ये हॉस्पिटल्स के भी आंकड़े जो है वो दिल्ली सरकार के आंकड़ों से ऑलमोस्ट डबल है। हॉस्पिटल का आंकड़ा जो अभी आज हेल्थ मीटिंग में है 68 है। हाँ। और मैंने ये खबर आज अखबार में पढ़ी, उसके बाद मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछा है, तो उसके अंदर छुपाने वाली कोई चीज नहीं है। आप ये देखिएगा, हम लोगों को परसों भी कहा गया, कल कहा गया कि आपने लेट बुलेटिन इसलिए दिया कि आंकड़े छुपाना चाहते थे, जबकि 448 लोगों को हमने लिखा कुछ छुपाते तो हम 48 बताते, 448 क्यों बताते? छुपाने का कोई कारण नहीं है। दिल्ली के अंदर जो भी डेथ होती है हॉस्पिटल वाले इसको सर्विलेंस डिपार्टमेंट जो है उसको भेजते हैं, परंतु मुझे पता लगा है कि उन्होंने उनकी डिटेल नहीं भेजी है। ये भेजना होता है कि पॉजिटिव आए थे, इसको क्या क्या कंडीशंस थी, डेथ रिपोर्ट जिसे कहते हैं, तो वो डेथ रिपोर्ट अस्पतालों ने नहीं भेजी है। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि उसको जल्द से जल्द भेजे, और एक भी केस नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है कि कोई भी केस जो कोविड से हुआ है किसी को भी काउंटिंग से नहीं रहेगा। सर, इंक्वायरी इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट दिल्ली पार्टनर डेथ मामले में ये भी कहना है कि जो अस्पताल प्रशासन के पास डेटा है क्या सरकार को उसकी जानकारी नहीं है, या 116 जो कहा जा रहा है उसकी जानकारी सरकार को है क्या? हॉस्पिटल्स जो है ना रिपोर्ट जब भेजते हैं तो उनको डेथ समरी भेजनी होती है। डेथ समरी के अंदर लिखा होता है उसका नाम, एज, एवरीथिंग इज देयर कि किस वजह से मरा है, क्या होता है, तो उन्होंने डेथ समरीज नहीं भेजी है। जो मैंने अभी इनिशियली फोन करके पता किया है, तो डेथ समरी जैसे ही आती है तो उसको तुरंत उसको रिफ्लेक्ट करके दे दिया जाता है, अदरवाइज पता नहीं लगा। सस्पेंशन भी होता है कि कई लोग शक के आधार पर, अभी शक है कि जी हो सकता है कोविड हो, उसमें कंफर्म करना होता है कि भाई ये केस है और उसकी पूरी डिटेल्स ये है। माना जा सकता है कि 100 से ज्यादा मौत हो चुकी है, ये माना जा सकता है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो 2-4 दिन में जैसे भी सारे केस आ जाएंगे, सभी हॉस्पिटल को उन्होंने लिखा हुआ है, मेल लिखी हुई है सभी को, सबसे डिटेल आगे हो जाएगा। एक भी मैं कह सकता हूँ ना तो कोई भी केस छुपाने वाली बात है और ना ही कोई भी डेथ छुपाने वाली बात है, ये छुप भी नहीं सकती है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है हिंदुस्तान जैसे शहर के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर, कि कोई डेथ को छुपा ले, कोई नंबर को कम कर दे, वो पॉसिबल नहीं। नहीं, 68 आज के हिसाब से हेल्थ बुलेटिन में है, परंतु देखिए क्या होता है कि डेथ एक इम्पोर्टेंट इशू है, बर्थ एंड डेथ को ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते। डेथ है कि आपको कोई डिटेल ही नहीं पता, आपने कहा कोविड डेथ है और कोविड डेथ का पता ही नहीं कि कोविड का पॉजिटिव टेस्ट था भी या नहीं था, उसकी डेथ की डेथ रिपोर्ट ही नहीं है, समझ नहीं। कल को मांगेंगे ना, आप भी मांगेंगे कि आपने इसको कहा था जी, इसकी दिलाओ जी डेथ रिपोर्ट कहाँ है, तो डेथ रिपोर्ट दिला के सबको डिक्लेयर किया है। सर, बिहार की तरफ से कहा गया कि हमने तो पैसे देने की पहले ही बात कह दी, फिर सरकार ये क्यों कह रही है कि हमने पैसे नहीं दिए, झूठ बोलने का आरोप लगाए आप लोगों को? देखिए इस चीज में जो प्रवासी मजदूर भेजे गए, प्रवासी मजदूरों को जाने के लिए उनके पास चारों बार पैसा नहीं है। अगर उनसे आप कहोगे टिकट खरीद लीजिएगा फिर देखेंगे, टिकट खरीदने के पैसे तो थे नहीं, बेचारे 1.5 महीने से कहते घरों के अंदर है या कैंप के अंदर थे, ज्यादातर कैंप में थे, खाना भी सरकार खिला रही है, कैंप में सरकार रख रही थी उनको, उनके पास कहां से पैसा आएगा? उसके दिल्ली सरकार ने वो तो, लेकिन राजनीतिक आरोप आप लोगों का, राजनीति वगैरह राजनीति ना की जाए तो अच्छा है, अगर कोई ऐसे हैं तो ठीक है, दिल्ली सरकार ने कहीं कर दिया। सर, कैट्स वाला क्लैरिटी नहीं आ रही, कितने अभी तक कैट्स के कहा जा रहा है कि एक पूरे जो कॉल सेंटर था वहां पर 45 मामले आए हैं? गलत है, गलत है, ये कल मेरे को भी पता लगा था, मैंने कभी अगर ऐसा 45 लोग एक साथ होंगे तो वो तो कॉल सेंटर ही बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो सर कितना? सिर्फ 2 लोग थे। तो सर वहाँ अभी जो एम्बुलेंस में लोग काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस स्टाफ जो है या कॉल सेंटर का जो स्टाफ है, आप क्या कोई टेम्पररी इंतजाम करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर वहाँ 2 लोगों को कोरोना हो गया तो बाकी लोगों के सैंपल लिए गए होंगे, उनके टेस्ट उठाने का इंतजाम हो रहा है, सरकार को तैयार करना होगा? अपनी ओर से अभी लगातार कोशिश में काम कर रहे हैं और हमने उसके लिए एडिशनल स्टाफ का इंतजाम कर लिया है, कभी भी जरूरत पड़ेगी देयर ऑन बैकअप उनको लगा दिया जाए। सर, कल एक निर्देश भी जारी किया गया है कि जो गाइडलाइंस है केंद्र की उसको सख्ती से लागू किया जाए, दिल्ली पुलिस आरडब्ल्यू मान नहीं रही थी जिस मामले में, कि उसको किस तरीके से केंद्र सरकार ने जो भी गाइडलाइंस इशू की है उनको सबको बहुत पालन किया।
सर एक लास्ट सवाल, जो हेल्थ गाइडलाइन आई है कोरोना पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, उसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिएगा बिल्कुल ठीक है कि जो केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अब माइल्ड सिम्टम है या सिम्टम लगभग खत्म हो चुके हैं, उनको दो तीन दिन से फीवर नहीं है, तो उनको 10 दिन के बाद छोड़ा जा सकता है। उसके बाद एक हफ्ते के लिए सलाह दी जाएगी कि एक हफ्ता आपको घर में रहे, तो ये बिल्कुल ठीक है। कि कारण क्या है, हॉस्पिटल में सीरियस पेशेंट्स को ही जाना चाहिए। अभी क्या बस केयर इतना हो गया कि बहुत सारे लोग जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो ये एडवाइजरी टाइमली एडवाइजरी जारी की गई है और उसकी वजह से केयर कम होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पॉजिटिव आने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि एकदम से अस्पताल में एडमिट होना है। 85% से 90% लोगों को घर में रह सकते हैं आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं है जब तक सिम्टम सीरियर ना हो अस्पताल में एडमिट होने। पहले क्या था सर, पहले कितने पहले प्रोटोकॉल ये था कि 14 दिन के बाद टेस्ट होने के बाद छोड़ सकते थे, अभी 10 दिन के बाद उनको छोड़ा जा सकता है अगर 3 दिन से बुखार नहीं। सर अभी तक कितना टेस्ट हो चुका है लगभग? लगभग टेस्ट जो हमारे पास दिल्ली के अंदर 80,000 के आसपास है, लगभग कितना कितना पॉजिटिव निकला लगभग मान लीजिए आपके आंकड़ा क्या कहता था? देखिए टोटल हमारे 6318 है, तो उसको परसेंटेज आप निकाल लीजिए। सर ये डॉक्टर लाल पाथ लैब को लेकर किस तरह की इंक्वायरी बिठाई गई, क्या कोई कमेटी बनाई, जो इस कमेटी में कौन लोग हैं, किस तरह की ये लोग जांच करेंगे और इसमें गलतियां इसमें पाई गई? डेटा के अंदर कुछ फर्क आया कि जो रिपोर्ट मिली 2 या 3 रिपोर्ट में मिसमैच था, उसको चेक करना है। अच्छा, तो इसमें क्या किसको सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे इसमें है क्या सरकार? देखिए सरकार ने आदेश दिया है, सबसे पहले मैं बताऊंगा 3 दिन पहले आदेश दिया है कि जो भी कोरोना टेस्ट होगा उसका 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देना कंपलसरी है। इन एनी केस 48 घंटे से ज्यादा हो ही नहीं सकता, कभी मान लो कोई एक आधा सैंपल लेट हो गया दो हो गया, परंतु 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देना सब जरूरी है। अगर 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं देते उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। एक पेशेंट है उसको लगता है सिम्टम्स हैं, अब डॉक्टर कंफ्यूजन में है कि कोरोना है या नहीं है, कोरोना है तो कोरोना हॉस्पिटल में रखेंगे, अगर कोरोना नहीं है तो दूसरे हॉस्पिटल में रखेंगे, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आदेश दिए गए, उसका इम्प्लीमेंटेशन चेक करेंगे। तो ये सर इंक्वायरी कमेटी बनी है जी, कौन कौन कमेटी में मेंबर है सर? कमेटी के बारे में बता दीजिए। कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी के हेड है, बाकी डॉक्टर्स। ठीक, थैंक यू।